खबर ग्यारसपुर से है, जहां छोटी दिवाली पर बाजारों में सन्नाटा। पीएम के स्वागत के लिए बाबा केदार की तैयारियां तेज हो गई हैं। खटीमा दौरे पर सीएम धामी हैं और आज उत्तराखंड में देव दीपावली और दीपावली की तैयारियों का जायजा लेंगे। सैनिकों का हौसला बढ़ाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और आज से पेट्रोल डीजल होंगे सस्ते, आज से लागू होंगे नए रेट। कपाट बंद होने से पहले 15 कुंतल फूलों से सजा केदारनाथ मंदिर देखने को मिली अद्भुत छटा। 6 नवंबर को बंद हो जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट। दीपावली का त्यौहार आज, धन की देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए लोगों ने की तैयारी। हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा त्यौहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंद्रा पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। आप सभी को के न्यूज की पूरी टीम की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो खबर अब आ रही है देहरादून से। कल केदारनाथ धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड सरकार की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। केदार धाम में पूजा अर्चना भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे। और मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी लिया। 5वीं बार केदारनाथ धाम आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 225 करोड़ के पुनर्निर्माण के कार्यों को पूरा कर चुके हैं। और केदारनाथ धाम में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रसाद योजना का भी शुभारंभ होगा। कल केदारनाथ धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। राज्य के 35 जगह लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। इसके साथ ही केदारनाथ समेत 11 ज्योतिर्लिंगों में एक साथ पूजा अर्चना भी की जाएगी। आदि गुरु श्री शंकराचार्य की प्रतिमा का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनावरण भी करेंगे। खटीमा से खबर है, सीएम धामी 11:45 पर पहुंचेंगे खटीमा और धामी अपने परिवार के क्षेत्र के लोगों के साथ दीपावली का पर्व मनाएंगे। विधानसभा क्षेत्र में त्योहार की बधाई के बाद देहरादून लौटेंगे और इसके बाद सीएम धामी दीपावली के अवसर पर 11:45 पर खटीमा पहुंचेंगे। खटीमा से आपको खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी 11:45 पर खटीमा पहुंचेंगे, अपने परिवार और क्षेत्र के लोगों के साथ दीपावली का पर्व मनाएंगे। विधानसभा क्षेत्र में त्योहार की बधाई के बाद देहरादून भी लौटेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और सीएम धामी दीपावली के अवसर पर 11:45 पर पहुंचेंगे खटीमा। आज पूरे देश में दीपावली का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचेंगे और अपने परिवार और क्षेत्रवासियों के साथ दीपावली का पर्व पूरे धूमधाम के साथ मनाएंगे। चमोली से खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बद्रीनाथ दौरा है। हेली से बद्रीनाथ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इसके बाद दीपावली की शुभकामनाएं देने सीमांत गांव पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी और इसके साथ ही बढ़ाएंगे सैनिकों का हौसला भी बढ़ाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की बद्रीनाथ दौरा है और बद्रीनाथ से खटीमा को रवाना भी होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और सीएम के भ्रमण को लेकर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्यपाल और सीएम धामी सेना के जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। सीएम के भ्रमण को लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा और इस राज्यपाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी सेना के जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की धामी सरकार ने उत्तराखंड की जनता को दिवाली की बड़ी सौगात दी है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाई है। वहीं केंद्र के बाद धामी सरकार ने भी जनता को राहत देते हुए प्रदेशवासियों की पेट्रोल और डीजल पर
₹2 प्रति लीटर की अतिरिक्त राहत दी है। सरकार के इस फैसले के बाद आज से नई दरें लागू की गई हैं। देहरादून में आज पेट्रोल ₹99.39 प्रति लीटर जबकि डीजल ₹87.55 प्रति लीटर हो गया है। केंद्र और राज्य सरकार के इस फैसले के बाद जनता को काफी राहत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने देश की जनता को दीपावली के शुभ अवसर पर डीजल और पेट्रोल के दामों में भारी कटौती की है। ₹10 डीजल की कटौती हुई है, ₹10 लीटर डीजल सस्ता होगा और ₹5 लीटर पेट्रोल सस्ता होगा। पूरे देश के अंदर हमने तय किया है कि ₹5 की जगह हम ₹2 उत्तराखंड सरकार भी कटौती करेगी, ₹2 उसमें ऐड करके हम जो है ₹7 लीटर प्रत्येक पेट्रोल पर जो है कम करेंगे और ये दरें कल सुबह से ही लागू हो जाएंगी। क्योंकि बैट संग्रहण बहुत कम हो पाया है कोविड महामारी के कारण से, लेकिन फिर भी जो जन कल्याण के क्षेत्र में लोगों की देश की जनता के लिए मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है, उत्तराखंड सरकार भी इसके साथ चलेगी और हम अब पेट्रोल ₹7 सस्ता पेट्रोल उत्तराखंड में मिलेगा, कल सुबह से ये दरें लागू हो जाएंगी। और इसी बीच देहरादून से खबर आ रही है, तीर्थ पुरोहितों को मिलेगी स्थायी आवास की सुविधा। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं और केदारपुरी में ही मिलेगी स्थायी आवास की सुविधा। सरस्वती नदी के तट पर बाढ़ सुरक्षा और घाटों का निर्माण पूरा कराया जाएगा। मंदाकिनी नदी तट पर बाढ़ सुरक्षा के ये बाहर वाहक और दीवार बनाई गई है। गरुड़ चट्टी से केदारपुरी को जोड़ने वाले पुल का निर्माण होगा और पुनर्निर्माण से आवागमन में सुविधा भी मिलेगी। मंदाकिनी नदी तट पर बाढ़ सुरक्षा के बाहर वाहक और दीवारें बनाई जाएंगी। गरुड़ चट्टी से केदारपुरी को जोड़ने वाले पुल के आसपास पुनर्निर्माण होगा, जिससे कि पुनर्निर्माण होने के बाद जो आवागमन में बाधा आती थी वो बाधा दूर हो सकेगी। आपको यह भी बता दें कि केदारपुरी में ही स्थायी आवास की सुविधा भी दी जाएगी। सरस्वती नदी के तट पर बाढ़ सुरक्षा और घाटों का निर्माण पूरा होगा और मंदाकिनी नदी तट पर बाढ़ सुरक्षा के लिए बाहर वाहक भी बनाए जाएंगे। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। और सीधे चलते हैं अयोध्या, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। आप जैसा कि पहले से ही देख रहे हैं कि अयोध्या में दीपोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज किया है और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम भी पहुंची थी। 12,00,000 दीयों को जलाया गया था और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंची थी और आज सीएम योगी आदित्यनाथ साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं और उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। अयोध्या में दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और दर्शकों को, श्रद्धालुओं को बड़ी आस रहती है इस दिन की कि अब क्या होगा, कुछ नया होगा, क्योंकि हर माननीय पंकज जी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारी और सदस्यगण और यहाँ की व्यवस्था के साथ जुड़े हुए सभी स्वयंसेवकगण, आज हम सब का पावन पर्व दीपावली है और मैं तो ये सोच ही रहा था, लेकिन तभी मेरे सामने माननीय चंपत जी का एक प्रस्ताव आया तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि मैंने कहा कुछ संतों के साथ किसी बहाने संवाद हो और संवाद ही खाली नहीं जलपान के साथ हो, तो जब विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ऑफर होते तो बिन मांगे एक हम सबको नई मुराद मिल गई, तो मैंने इसलिए इसको स्वीकार भी किया और आज आप सबके सेवा में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आप सभी संतों का मैं दीपावली के इस पावन पर्व पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। दीपोत्सव के कार्यक्रम को आप सबने पूरी अयोध्या धाम में मिलकर के
जिस नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसने दुनिया के अंदर आप सबकी भावनाओं को आगे बढ़ाया है और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था श्री राम जन्मभूमि के लिए, उस आंदोलन के साथ जब ये भावनाएं जुड़ी तो आपने देखा कि तीसरे ही वर्ष 500 वर्षों की समस्या जो असंभव लग रही थी वह भी संभव हो पाई। ये सब भावनाओं का प्रभाव है और इस अवसर पर हम सबको याद रखना होगा कि अयोध्या को इस नई पहचान के साथ हम सबको निरंतर आगे बढ़ाना होगा, न केवल भौतिक विकास की बल्कि उस प्रकार का आध्यात्मिक और धार्मिक वातावरण भी हम देना हम सबका दायित्व बनता है। तो अभी आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, वो साधु और संतों को संबोधित भी कर रहे थे। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा, इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलके दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधे चलते हैं अयोध्या, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ साधु संतों को संबोधित कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम ये सावधानी बरतेंगे तो संजीवनी बूटी को लाने में आप सफल होंगे। हनुमान जी की ताकत हमें पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर, नहीं तो इच्छा सदवेश में कालनेमी आकर के पूरी व्यवस्था को पूरे षड्यंत्र के माध्यम से पूरे अभियान में कहीं ना कहीं सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। दीपावली का पर्व हम सबको एक नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। करोड़ों करोड़ लोगों ने कल के दीपोत्सव के आयोजन को देखा है और अयोध्या एक बार फिर से वैश्विक मंच पर बड़े गौरव के साथ हिंदू धर्म के 7 पवित्र पुरियों में एक पुरी के रूप में अपने आप को स्थापित करने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हो रही है। दीपावली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आप सबके प्रति, हिंदू समाज के प्रति आप सबका इसी प्रकार का सानिध्य और आशीर्वाद बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबका मैं दीपावली के इस पावन पर्व पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। माननीय चंपत जी का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें बिना भागे ही आप सबसे मिलने का एक अवसर दिया है, नहीं तो एक एक दो दो चार चार लोगों से मुलाकात हो पाती थी, इतनी बड़ी संख्या में नहीं हो पाती थी। आप सबसे यहाँ पर एक साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मेरे लिए सौभाग्य का अवसर है। मैं एक बार फिर से याद रखना जो कल मैंने एक बात कही, अब भारत का पैसा, उत्तर प्रदेश का पैसा हिंदू तीर्थ स्थलों में लग रहा है, और नहीं तो ये पैसा पहले कहां जाता था? किसी से ये छुपा हुआ नहीं है। इसलिए सार्थक दिशा में जब कोई कार्यक्रम आगे बढ़ेगा उसके परिणाम भी आएंगे और हरेक स्थल तक पहुंचेगा। आज कुछ स्थलों पर पहुंचा होगा, लगभग 700 स्थान अब तक हम लोगों ने तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने में सफलता प्राप्त की अकेले उत्तर प्रदेश में। और याद रखना कि आने वाले समय में हम यही प्रयास कर रहे हैं कि सारा पैसा जो इधर उधर खर्च होता था
वह तीर्थ स्थलों के विकास के लिए खर्च होना चाहिए, संस्कृति के लिए खर्च होना चाहिए, संस्कृति के लिए खर्च होना चाहिए, संस्कृति के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए लोगों के उन्नयन के लिए होना चाहिए और उस दिशा में सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। एक बार फिर से आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, माननीय चंपत जी का, विश्व हिंदू परिषद के यहाँ के सभी पदाधिकारियों का, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़े पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबको दीपावली की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी तरह से सभी को दीपावली की पर्व की बधाई भी दी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 700 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में तीर्थ स्थान को बनाया गया है और जो उत्तर प्रदेश का पैसा है वो तीर्थ स्थानों पर भी लगेगा। इसके साथ ही वो संस्कृति को बढ़ावा देने की भी बात कह रहे थे। तो यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और उत्तरकाशी से खबर आ रही है, भूख हड़ताल पर बैठे लोगों की बिगड़ी तबियत। उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं, यमुनोत्री के अलग जिला बनाने को लेकर 1 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं लोग और इसके साथ ही तहसील परिसर बड़कोट में भूख हड़ताल पर बैठे हैं दो लोग की तबियत बिगड़ गई है और तबियत बिगड़ने से स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट में उन्हें भर्ती कराया गया। आपको यह भी बता दें कि जिलों की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के लिए वो भूख हड़ताल पर बैठ गए और भूख हड़ताल पर बैठने से उनकी तबियत बिगड़ गई जिसके चलते उन्हें स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया है। उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे लोगों की बिगड़ी तबीयत।
यमुनोत्री के अलग जिला बनाने को लेकर 1 नवंबर से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, लेकिन अभी तक उनके प्रदर्शन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदर्शन कर रहे दो लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई, तबीयत बिगड़ने से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साल भर के इंतजार के बाद दिवाली आखिर आ ही गई। इस बार दिवाली काफी खास है क्योंकि 2 साल की पाबंदियों वाली दिवाली के बाद इस बार कोविड की आजादी से दिवाली मनाई जाएगी और दीपावली यो और लाइटों की जो रोशनी है उसके साथ ही आतिशबाजी वाला सबसे बड़ा दिन है। असत्य पर सत्य की जीत का जश्न भी हुए और इसके साथ ही जो लोग पटाखे चलाकर मनाते हैं लेकिन सावधानी ना बरतने से कई अनहोनियां भी हो जाती हैं। दिवाली पर नुकसान से बचने के लिए प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? पुलिस प्रशासन के साथ साथ अग्निशमन और विभाग खासकर दिवाली से पहले निरीक्षण कर पूरी तैयारियों का जायजा भी ले चुके हैं। FSO सुरेश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया है कि अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। खबर उत्तरकाशी से है जहां पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्री ने दीपावली की तैयारियों का जायजा लिया और अधीनस्थ कर्मियों को कोविड के नियमों के अनुरूप भीड़ वाली जगहों पर निगरानी रखने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने पटाखों की दुकानों के सामने फायर सर्विस के वाहन तैनात कर दिए और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस पूरे हफ्ते में त्योहारों का सीजन है, इसलिए हर संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना न हो। इस पूरे हफ्ते त्योहार का सीजन है जिसमें धनतेरस, दीपावली और भैया दूज लगातार त्यौहार हैं और बाजार में बहुत भीड़ भी है। कुछ जगहों पर जहां पटाखे की दुकानें खुली हुई हैं वहां भी काफ़ी भीड़ देखी गई है। इसके भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त ट्रैफिक के पुलिस बल और सिविल पुलिस के बल लगाए गए हैं। फायर सर्विस के वाहन भी उन क्षेत्रों में लगाए गए हैं जहां पर पटाखे की दुकानें हैं। ये ध्यान रखा जा रहा है कि कोई अप्रिय घटना न घटे और उसके साथ ही साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि लोग कोविड के नियमों का पालन करें। तो सीधे चलते हैं अयोध्या जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ करें। ड्यूटी के साथ वैट को राज्य में कम करते हुए डीजल और पेट्रोल को हम 12 रुपए तक कम करेंगे और वह कार्रवाई प्रदेश ने शुरू कर दी है। इससे एक सामान्य उपभोक्ता के साथ साथ किसानों को और युवाओं को, नौकरी पेशा वाले लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। दीपावली के महत्वपूर्ण उपहार के साथ में दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं सबके प्रति व्यक्त करता हूँ। उत्सव के बाद आज दीपावली के दिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन किए और आपसे भी मुलाकात किए, काफी देर आपके साथ रहे, आप उनको बाहर तक छोड़ने गए, क्या कहेंगे महाराज जी? माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद, पूरे देशवासी को दीपावली ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाई। बहुत अच्छा लगा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से एक नीचे तबके से लेकर बड़े आदमी तक उन्होंने बात किया, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, महंगाई से लेकर और अहम सामान जैसे अयोध्या विकास को लेकर हो, चाहे यहाँ का कर टैक्स मुक्त निकले, तमाम विषय पर इतना गंभीरता पूर्वक देर तक सभी को समय दिया, इसके नाते। तो अभी आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि 12 रुपए तक की पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी जिससे कि आम जो ड्यूटी जाने वाले लोग हैं उनको राहत मिलेगी और इसके साथ ही रोजगार से संबंधित भी उन्होंने बातें की। और अब आपको बता दें कि हम उत्तराखंड की खबर पढ़ रहे थे और आपको एक बार फिर से उत्तराखंड वासियों को देव दीपावली और दीपावली की पूरी तरह से आप सभी को शुभकामनाएं। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।